अब हम लोग जा रहे हैं। वो मैंने यहीं से अपना पॉलिटेक्निक करा था। फिर अब हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं। मासी की फोटो लगी हुई है, मिसेस सरिता नेगी। तो गाइस ये है मेरी मासी, मेरी नानी, ब्यूटीफुल सी नानी से छोटी मासी। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे, खुशियाँ ही पाओगे। जिट्टी बताओ कुछ कि कितने साल जॉब करी आपने। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून, तो यहाँ पे चल रही है तैयारी। बस हम लोग निकलेंगे यहाँ से दोपहर को और शाम तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे टाइम पे। आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग को मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको भी देहरादून घुमाएंगे और पार्टी भी इंजॉय करवाएंगे। तो मिलते हैं गाइस आपसे रेडी होके, बाय बाय। तो गाइज हम लोग तैयार हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं देहरादून, और आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हैं पीछे। मेरे मम्मी और भाई को भी साथ लेके जाना है हमने, वो लोग भी हमारे साथ जाएंगे। तो बस अभी हम उनके घर जा रहे हैं, उनको पिक करते हैं वहाँ से और फिर निकलते हैं। सो गाइज दोपहर के 3 बज रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जाना तो होगा ना। पार्टी इंजॉय करते हैं और आप लोग भी इंजॉय करना हमारे साथ। तो गाइज मैं अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मैंने कानों में इयररिंग्स नहीं डाले, बाल सेट नहीं करे हैं, अभी तो 3-4 घंटे का रास्ता है, तो फिर ये सब मैं रास्ते में कर लूंगी जब हम पहुँचने वाले होंगे। खाने का सामान साथ लेके आए हैं, दिखाओ क्या लेकर आए हो। कुरकुरे भी खाओगे, फिर कानों को वॉमिटिंग आ जाती है। सो गाइज इन्होंने अपना पूरा आज का कोटा पूरा कर रखा है, ये देखिए। ये लो मम्मी आगे है और रोहन आगे बैठा है, तो चलिए फिर चलते हैं देहरादून और एंजॉय करते हैं फंक्शन। लुकी तो लाया नहीं, कफ सिर्फ है, लुकी ला रखी है, कफ सिर्फ मंगाई थी इससे। दोनों पिंक पिंक पर मेरा लाइट है, तुम्हारा डार्क है। तूने बैग में रख दी? अभी तो हम सब के तैयार हो रखे हैं, वहां जाते जाते तक भूत बन जाएंगे। तो गाइज अब चल रही है यहाँ पे कुरकुरा पार्टी। गुड्डू को लग गई भूख और गुड्डू अब सबके साथ शेयर करेगा। गुड्डू मेरे को तो दे दे। अरे वाह कितना ज्यादा है, पेट भर जाएगा इससे। भर जाएगा। किसके साथ खाना है ये, पानी के साथ पानी। या दूध के साथ लेना है? दूध वो तो लस्सी थी, हमने सारा इंतजाम कर रखा, हमने लस्सी जूस कुरकुरे। कैसा हो रहा है इसे भी।
नहीं। तू ना मेरे कपड़े गंदे मत करियो, खाना कपड़े गंदे मत करना। सो गाइस, ये रास्ते में आता है मेरा कॉलेज, श्री राम मुल्क ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया इसका नाम, अब चेंज हो गया है। तो मैंने यहीं से अपना पॉलिटेक्निक करा था 2011 में, और देखो मैं यहाँ से चली गई पर कॉलेज वहीं खड़ा है, और काफ़ी चेंज हो गया कॉलेज पहले से। कहाँ लगी है मेरी फोटो? हाँ, इसमें मेरी फोटो लगी होगी यहाँ पे ना बोर्ड पे। ये है श्री राम मुल्क, तो यही भूरे वाला पढ़ता है कॉलेज। नहीं नहीं, बहुत काफी बड़ा कॉलेज था। हाँ, 2 घंटे लगते थे जाने में। हाँ, वो देखो वो रहा कॉलेज, बाय बाय। सो गाइस, कार्तिक सो गया है हमारा छोटू सा, और ये मोटू सा मटे, नींद नहीं आ रही, सो जा नानी की गोदी में। शर्म आ रही है ना, ये तो सो गया है। सो जा यार, वहां पे तूने फिर सोना नहीं है, यहीं पे सो जा तू, एक काम कर सारी रात जागता रहियो। है गुड्डू? गाइस, हम लोग एंटर हो चुके हैं हिमाचल में, अंधेरा होने लग गया अभी से, है ना? क्या टाइम हो रहा है? 4:30 हो रहे हैं अभी, और ये 2 घंटे क्या बता रहा, 2 घंटे है अभी। हाँ, 2 घंटे 40 मिनट। सो गाइस, अभी हमें 2 घंटे 40 मिनट और लगेंगे पहुंचने में, बीच बीच में चाय के लिए रुकेंगे, लेकिन अभी से यहाँ पे अंधेरा सा लगने लग गया, तो जाते जाते तक तो मुझे लग रहा है रात हो जाएगी। तो गाइस, फिर अब हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं, मैं तो पीता नहीं, मम्मी दीदी और जीजू। जीजू भी नहीं पीते? जीजू ने कराई है अपने लिए। कराई है? अच्छा, ये है मम्मी, अभी तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, पता नहीं कब बेहोशी चाहती है। और ये है मम्मी का सूट आउटफिट। देखिए कितना अच्छा मौसम है और कितना सुंदर व्यू है, दिखा व्यू, देखिए कितना सुंदर व्यू है। और ये है, और इधर है हमारी चाय की टपरी, अभी हम यहाँ से गरम गरम चाय पियेंगे। देखो मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं चाय पीऊँगी और गले को थोड़ा सेका मिलेगा, और फिर हम निकलते हैं चाय पी के। सो गाइस, ये है छोटा सा शॉप, दो ग्रिल सैंडविच कर देना, वेज ग्रिल सैंडविच, वेज ग्रिल बनाना। हाँ, एक ही पार्ले जी का बिस्किट पकड़ना। हम इसको बचपन से देखते आ रहे हैं इस लड़की को, अब ये भी बुड्ढी होगी होगी, है ना? सभी उठो, हाई गरम है, रखो, गरम है, गरम है, गरम गरम है। काना, काना सो के उठ गया है, गुड इवनिंग गाइस, काना सो के उठ गया है, और काना ने अपनी नींद पूरी कर ली है, है ना? अब रात को हम सोएंगे और काना जागेगा। तो गाइस, हम लोग एंटर हो चुके हैं पांवटा साहिब। एंड यहाँ से 50 किलोमीटर है देहरादून अभी। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली, और हमने गाड़ी पार्क कर ली है, और बस अभी हम अंदर जाने वाले हैं, चलते हैं अंदर और मिलते हैं सभी से। ये भी तैयार हो गया है, ये भी रेडी हो गए हैं,
रेडी हुए हैं हम सारे पार्किंग में रेडी ये दोनों तो पार्किंग में ही रेडी हुए हैं जैसे आपने देखा था हमारे पिछले पार्ट में कौन से कपड़े पहन रखे थे और अब हमने चेंज कर दिए हाँ पहले इन्होंने टी शर्ट पहनी थी अभी इन्होंने शर्ट पहन ली है तो चलो चलते हैं अंदर सो गाइज ये है हाइट व्यू रेजिडेंसी तो यहाँ पे है मासी जी की रिटायरमेंट और हम लोग बाहर खड़े हैं एंड वो लोग गिफ्ट भूल गए थे गाड़ी से लाना तो वो गिफ्ट लेने गए हैं आगे तब तक हम लोग बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये होटल है चले गाइज आप देख सकते हैं एंट्री पे ही यहाँ पे मासी की फ़ोटो लगी हुई है मिसेस सरिता नेगी सो गाइज ये है मेरी मासी और ये है मेरी जिट्ठी जिट्ठी मतलब बड़ी मासी और ये है मेरी नानी ब्यूटीफुल सी नानी हेलो करो नानी सबसे छोटी मासी और ये है नानी की पोती छोटी वाली क्या नाम है इसका आरवी आरवी नाम है इसका हेलो आरवी हेलो गाइस करो हाय करो हाय करो हाय करो सो गाइज यहाँ पे नानी डाल रही है पैसों का हार मासी के गले में देखिए कट करना पड़ेगा काफी कुछ बोलो So guys, ये है मासी की पूरी फैमिली ये देख सकते हैं आप उनकी ये उनके बड़ा बेटा है ये उनके छोटा बेटा है उनकी बेटी है ये दामाद है और ये उनकी छोटी बेटी है ये बड़ी बेटी है ये सारे guys. कौन है तू गाइज ये है शशांक नेगी सबसे चिड़चिड़ा लड़का जो आज इस पार्टी में सबसे ज्यादा चिड़ा हुआ है मुझसे पता नहीं क्यों क्यों बिकॉज़ यू आर लेट नहीं मैं लेट so नहीं लेट. मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ टू बी हियर ऑन सर आपकी मेहनत और लगन से हर दिन था खास हर पल में बसाया आपने सबके दिलों में विश्वास आज से शुरू हुआ है एक नया सफर जहां सुकून होगा और आपकी मुस्कान सदा खिलती रहे जीवन के हर मोड़ पर खुशियों की धूप आपको मिलती रहे रिटायरमेंट नहीं है अंत ये है एक नई शुरुआत रिटायरमेंट नहीं है अंत ये है एक नई शुरुआत जिंदगी के सफर में अब है नए रंग और नए जज्बात विदा होकर आज स्कूल की तरफ से बोल रही विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे पर आशा है जहां भी जाओगे खुशियां ही पाओगे Oh.
कहो दोस्तों न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। ये रहा जिट्ठी का घर, नया घर है जिट्ठी का। और ये है जिट्ठी जिनकी रिटायरमेंट हुई थी। जिट्ठी बताओ कुछ कि कितने साल जॉब करी आपने? और 30 साल जॉब करी। और कौन सी क्लास को पढ़ाते थे आप? 6, 7, 8 को पढ़ाते थे ये। और 30 इयर्स इन्होंने जॉब करी है। 68 में अरे आपको भी ले लेते हैं, आ जाओ। रानू देखो कितने अच्छे ना माने माने। पार्टी के बाद घर आ गए और अब हम सोने जा रहे हैं। ओके बाय, गुड नाइट।